उत्तर प्रदेश में इन दिनों सोफे पर सियासत हो रही है। बीजेपी ने इटावा के सैफई तहसीन के गीजा गांव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर निशाना साधा है। जहां सैफई में डेंगू से मौत के बाद हालचाल जानने अखिलेश पहुंचे थे, मृतक के पिता ने इस सोफे का खुलासा किया है और उसने कहा है कि बेटे को शादी में उपहार में यह सोफा मिला हुआ था। डेंगू की वजह से जान गंवाने वाले एक पीड़ित परिवार के घर गए थे। मामला 3 नवंबर का है। वहां पीड़ित परिवार के घर में वे सोफे पर बैठे थे। अब यह सोफा यूपी की सियासत के केंद्र में आ गया है। दरअसल इटावा के सैफई तहसील के गीजा गांव में रहने वाले मुकेश बाथम के चौथे बेटे की डेंगू से मौत हो गई। इस मामले की जानकारी मिलने पर अखिलेश पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। मुकेश सैफई बाजार में छोटा सा होटल चलाते हैं। उनका परिवार खेती पर भी निर्भर है। जिस चौथे बेटे का निधन हुआ उसकी शादी करीब 3 माह पहले हुई थी। मुकेश के घर जब अखिलेश पहुंचे तो परिवार ने उन्हें सोफे पर बिठाया था। मृतक के पिता ने बताया कि अखिलेश यादव जिस सोफे पर बैठे थे वह सोफा मृतक बेटे की शादी में 3 माह पहले उपहार के तौर पर मिला था। डेंगू से ही भाई ने बुखार आओ तेज एकदम तुरंत हॉस्पिटल में ले गए, भर्ती करो जाए चेकअप वेकअप भाई, दवा भी ली कोई कामयाबी नहीं। कहा ना कहा भाई तो सबको ही आया तो सम्मान तो करो ही जाए, तो इसलिए डाल के शादी में मिले सोफा डाल गए थे। अब जो आप ये विरोध करने लगे लोग, अब जो घर में कोई आया तो सम्मान नहीं करूँगी। हाँ अब सांसद ये दो जने आए थे तो ये ज़्यादा वो करने लगे विरोध कर रहे हैं। ये घर को मिले गए संगत होने लेके आए, ये तो मिले गए हैं शादी की। पहले भी लक्षण बताई है क्या बताई है, फिर बुखार आओ बुखार आओ, 2 दिन लेना भर्ती रहो है, इलाज ही नहीं करो ना परवार कर दी। तो एक देर बाद ठंडो कर दो, फिर कह दी कि आईसीयू में ले जा आईसीयू में ले जा, आईसीयू में देखभाल करी जा। बेटा की शादी में ले थे दोनों ने, बेटा ने किया वो सोफा भरते हुए तो पर बहुत ठंडा कर दिया है उनको, संदेह के कारण से उनको मतलब लाए ढंग से नहीं हुआ उनका, यहाँ बहुत लापरवाही होती है। किस अस्पताल में भर्ती थे आपके पति? सैफई हॉस्पिटल में। अच्छा, पूर्व मुख्यमंत्री आए थे अखिलेश यादव आपकी आवाज पर, उन्होंने क्या कहा आपसे? अखिलेश भी आए थे, मतलब यही कह रहे थे बस, कहना मतलब यहाँ सबकी मदद करेंगे।